हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन मार्केट में शोमी कंपनी की रेडमी नोट 9 सीरीज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रही है, जिसके अंदर आपको दोस्तों रेडमी नोट 9 सीरीज के कई स्मार्टफोन देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों, अब शोमी कंपनी अपनी रेडमी नोट 9 सीरीज के सक्सेस को देखते हुए रेडमी नोट 9 5G सीरीज को लेकर आ रही है, जिसके अंदर आपको दोस्तों रेडमी नोट 9 5G और रेडमी नोट 9 प्रो 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको बढ़िया अच्छे फीचर्स तो देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन का लुक और इनका डिजाइन भी बढ़िया होने वाला है। तो दोस्तों, अब इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर लगभग सभी स्पेसिफिकेशन कंपनी ने कंफर्म कर दी है और इस स्मार्टफोन की कुछ लीक्स फोटो भी सामने आई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताएंगे कि ये दोनों ही स्मार्टफोन एक दूसरे से कितने अलग होंगे और इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स एक जैसे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी एक बढ़िया और अच्छा 5G स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों Redmi Note 9 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 6.53 इंच की फुल HD 5/16 नॉच डिस्प्ले देगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा और इसकी कॉर्निंग के ऊपर गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। जबकि दोस्तों Redmi Note 9 Pro 5G स्मार्टफोन की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 6.67 इंच की फुल HD 5/16 नॉच डिस्प्ले देगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा और इसकी कॉर्निंग के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों Redmi Note 9 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन की कैमरा सेटअप की, तो दोस्तों Redmi Note 9 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी इसके बैक पैनल के ऊपर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देने वाली है, जिसमें आपको 48 MP, 8 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 13 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों Redmi Note 9 Pro 5G स्मार्टफोन की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी 108 MP, 8 MP, 2 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देने वाली है। तो दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों Redmi Note 9 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 108 MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर देने वाली है। तो दोस्तों, कैमरा के मामले में ये दोनों स्मार्टफोन वैसे तो बढ़िया रहेंगे, लेकिन दोस्तों Redmi Note 9 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको बढ़िया कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के वेरियंट्स की, तो दोस्तों Redmi Note 9 5G स्मार्टफोन आपको 4GB, 6GB और 8GB रैम के साथ मार्केट में देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 64GB, 128GB और 256GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए इसके प्रो वर्जन की, दोस्तों इसके अंदर आपको 6GB, 8GB और 12GB रैम के वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिनके साथ आपको 64GB, 128GB और 256GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको तीन तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अगर बात की जाए दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों Redmi Note 9 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ MediaTek Dimensity 800U का चिपसेट देगी और ये मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, जो कि MIUI 12 के ऊपर काम करेगा। और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको Mali G57 का GPU देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों बात की जाए Redmi Note 9 Pro 5G स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 750 का GPU देगी और ये मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, जो कि MIUI 12 के ऊपर काम करेगा। और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको Adreno 619 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको अलग अलग कंपनी का चिपसेट देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों, प्रोसेसर के मामले में Redmi Note 9 Pro 5G स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का बढ़िया और अच्छा पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि आपको बढ़िया और अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस दे सकता है और यह स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 5G चिपसेट है। और दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में वैसे तो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन दोस्तों Redmi Note 9 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4900mAh की पावरफुल बैटरी दे सकती है। जबकि दोस्तों Redmi Note 9 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4820mAh की पावरफुल बैटरी देने वाली है। तो दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के अंदर आपको शायद इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों इनके फास्ट चार्जर के अंदर आपको शायद डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में अभी तक कंफर्म जानकारी सामने नहीं आई है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस और इनकी लॉन्चिंग डेट के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की, तो दोस्तों वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन का प्राइस अभी तक सामने नहीं आया है। बाकी दोस्तों, Redmi Note 9 5G स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में लगभग 15 से 17 हजार रुपए तक की कीमत के आसपास देखने को मिल सकता है, जबकि दोस्तों इसका प्रो वर्जन आपको इंडियन मार्केट के हिसाब से लगभग 20 हजार रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर इनकी लॉन्चिंग डेट की बात की जाए, दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट अभी तक सामने नहीं आई है। बाकी दोस्तों, ये दोनों स्मार्टफोन आपको जल्द ही मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये दोनों स्मार्टफोन कैसे लगे और आपके अनुसार इंडियन मार्केट में इन दोनों स्मार्टफोन का प्राइस कितना होना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।